तो गाइस फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमारा जो फार्म है वो बनके रेडी हो चुका है और मैंने इसे चारों तरफ से कवर भी कर दिया है ग्लास से, चारों तरफ से तो नहीं जहाँ जहाँ गैप था वहाँ से, और यहाँ पे मैंने स्टेयर्स भी लगा दिए ताकि हम ऊपर चढ़ के आराम से स्टोन जो है वो तोड़ सके। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाने वाला हूँ, तो जल्दी से इस फार्म को ना ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं लीवर को सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो आपको देख के पता चल ही गया होगा कि आज के एपिसोड में हम बनाने वाले हैं एक स्टोन फार्म। तो इस फार्म को बनाने के लिए जितना भी सामान की हमें जरूरत पड़ने वाली है वो मैंने शेल्कर बॉक्स में ऑलरेडी कलेक्ट करके रख रखा है। तो यहाँ से मैं कुछ सामान निकाल लेता हूँ जिसकी हमें फिलहाल जरूरत पड़ने वाली है। तो अब मैं आपको जल्दी से चल के दिखाता हूँ कि हमें ये जो फार्म है वो कहाँ बनाना है। तो ये वाली जो जगह है यहाँ पे मैंने मार्क करके ऑलरेडी रख रखी है, तो यहीं पे हम अपना जो फार्म है वो बनाने वाले हैं आज। तो अब यहाँ पे मेरे को अपना एक छोटा सा सेटअप कर लेना है। यहाँ पे मेरे को बेड रख दिया है मैंने, एंडर चेस्ट और शल्कर बॉक्स को प्लेस कर दिया है। तो अब रात हो रही है तो सबसे पहले चल के सो लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सो गया हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह हो चुकी है, अब हम अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इसको हटा के मैं अपना फार्म जो है बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब हमें सबसे पहले कुछ इस तरीके से टू बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है वो प्लेस कर देने हैं और नीचे वाले ब्लॉक को हमें तोड़ देना है, और फिर हमें यहाँ पे टोटल 6 पिस्टन्स को प्लेस करना है इस ब्लॉक के साइड में। तो कुछ इस तरीके से हमें टोटल 6 पिस्टन्स प्लेस कर देने हैं, और फिर पिस्टन्स लगाने के बाद हमें इस पिस्टन्स के पीछे आके इसके पीछे कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स को प्लेस करना है। तो जहाँ तक हमारे पिस्टन्स लगे थे वहीं तक हमें ब्लॉक्स को भी प्लेस कर देना है, और यहाँ पे एक ब्लॉक छूट चुका है तो यहाँ पे भी हमें ब्लॉक लगाना था। और अब हमें जाना है इसके ऊपर, और ऊपर जाके हमें कुछ इस तरीके से जहाँ जहाँ हमने ब्लॉक प्लेस करे हैं वहीं के उसके ऊपर ही हमें रेडस्टोन भी प्लेस कर देना है। तो रेडस्टोन प्लेस हो जाने के बाद अब हमें पिस्टन्स के नीचे कुछ इस तरीके से ग्लास को प्लेस कर देना है, और यहाँ पे सामने की तरफ भी हमें कुछ इस तरीके से ग्लास को प्लेस कर देना है ताकि इसके बाहर वाटर ना आ सके। तो इतना हो जाने के बाद अब हमें साइड में आना है इस फार्म के, और साइड में आके कुछ इस तरीके से हमें एक स्टिकी पिस्टन को प्लेस कर देना है, और इसके ऊपर जाके अब हमें ना इसके ऊपर जाना है। सबसे पहले तो मैं ब्लॉक्स निकाल लेता हूँ इन्वेंटरी में से, तो ब्लॉक्स मैंने ये निकाल लिए और इसके ऊपर मेरे को जाना है जल्दी से। और ऊपर आने के बाद अब इसके जो हमने स्टिकी पिस्टन प्लेस करा है ना इसके एकदम साइड में हमें कुछ इस तरीके से एक ऑब्जर्वर को भी प्लेस कर देना है, और ऑब्जर्वर प्लेस हो जाने के बाद अभी मैं नीचे आ चुका हूँ तो इसके ऊपर मुझे वापस से जाना है। तो ऊपर चलते हैं सबसे पहले, और अब हमें ना यहाँ से कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे साइड में आके कुछ इस तरीके से दो ब्लॉक प्लेस करने हैं, और यहाँ पे नीचे वाले ब्लॉक को हमें तोड़ देना है। तो हमें ना यहाँ पे एक रिपीटर बनाना है, मतलब रिपीटर हमें प्लेस करना है, और यहाँ पे हमें एक क्लॉक बनानी है। तो जल्दी से यहाँ पे एक क्लॉक बना लेता हूँ सबसे पहले मैं। क्लॉक तो बहुत आसान होती है बनानी। तो यहाँ पे मैंने एक क्लॉक बना ली है, तो कुछ इस तरीके से आपकी जो क्लॉक है वो दिखेगी। तो क्लॉक बनाने के बाद अब हमें फार्म के आगे आके कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स को प्लेस करना है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक्स प्लेस कर देता हूँ, तो जहाँ तक हमारे पिस्टन है वहीं तक करना है ताकि हम जब पिस्टन के अंदर वाटर डालें तो वो बाहर की तरफ लीक ना हो सके। तो इसको जल्दी से मैं इस वाले ब्लॉक को तोड़ सकता हूँ। तो अब यहाँ से हम ऊपर चल लेते हैं, और इन पिस्टन्स के अंदर अब मेरे को फिल करना स्टार्ट करना है वाटर। तो अभी साइड से ना वाटर लीक कर रहा था, मेरे को यहाँ पे एक ग्लास और लगाना पड़ेगा ताकि वहाँ से भी वाटर जो है वो लीक ना करे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे भी एक ग्लास लगा देता हूँ। तो अब मैं सब पिस्टन्स के अंदर जो वाटर है फिल कर देता हूँ। तो सब पिस्टन्स के अंदर मैंने जो वाटर है वो फिल कर दिया है। तो इतना हो जाने के बाद हमें दोबारा ग्लास लेना है, और ग्लास को हमें एक लेयर और एक्सटेंड कर देना है ताकि हम लावा को भी इसके अंदर डाल सके। तो यहाँ से मैं ग्लासेस को भी एक लेयर और ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ग्लासेस को एक लेयर और ऊपर कर दिया है। अब मेरे को जरूरत पड़ने वाली है एक लावा बकेट की, तो यहाँ से मैं अपने शल्कर में से ले लेता हूँ, और शल्कर को भी ना वहीं ले जाते हैं, बार बार मुझे यहाँ पे आके सामान जो है वो लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं शल्कर को यहीं रख देता हूँ। तो यहाँ से मैं ऊपर आ चुका हूँ। अब मेरे को यहाँ से ना एक किसी भी ब्लॉक पे आप लावा प्लेस कर सकते हो ताकि जो नीचे हमारा जो वाटर है वो स्टोन में कन्वर्ट हो सके। तो लावा डालने के बाद अब हमें लावा को ऊपर से कवर भी कर देना है कुछ इस तरीके से ताकि हम इसके अंदर गिर ना जाए, और इसके आगे अभी हमारे पिस्टन्स भी लगने वाले हैं वैसे। तो अब मेरे को जरूरत पड़ने वाली है दो स्टिकी पिस्टन की। तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ना इसको हमें ऊपर कुछ इस तरीके से एक स्टिकी पिस्टन को प्लेस कर देना है, और फिर हमें जरूरत पड़ने वाली है एक सॉलिड ब्लॉक की। सॉलिड क्या मतलब टेम्परेरी ब्लॉक ही है तो वैसे भी, और इसके ऊपर मेरे को पिस्टन के ऊपर कुछ इस तरीके से एक ऑब्जर्वर को प्लेस करना है, और फिर इस ब्लॉक को हम तोड़ सकते हैं, और फिर इस ऑब्जर्वर को हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर देना है। और इतना हो जाने के बाद अब हमें ये जो हमने ब्लॉक प्लेस करे थे इसके आगे हमें फिर से नॉर्मल वाले मतलब 6 पिस्टन प्लेस कर देने हैं, और फिर अब हमें यहाँ से ऊपर जाने की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं जल्दी से। तो ऊपर आने के बाद हमें कुछ इस तरीके से ना यहाँ पे कॉर्नर में एक ब्लॉक प्लेस करना है,
और एक ब्लॉक हमें कुछ इस तरीके से इस कॉर्नर में प्लेस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी मैं एक ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ और फिर हम अपने रेडस्टोन लेके हमें कुछ इस तरीके से पिस्टन्स के ऊपर हमें कुछ इस तरीके से रेडस्टोन लगा देना है। और ये वाला जो ऑब्जर्वर है ना, मैंने ये गलत लगाया है, तो मेरे को ये पिस्टन से कनेक्टेड होते हुए लगाना था। यहाँ पे एक रेडस्टोन और आएगा और ये जो ऑब्जर्वर है मेरे को एकदम पिस्टन से कनेक्टेड होते हुए लगाना था। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से लगाना है एक ऑब्जर्वर को, और यहाँ पे इसके आगे जो ब्लॉक था वो भी हमें लगा देना है वापस से। तो इस ब्लॉक को जल्दी से निकाल लेता हूँ मैं इन्वेंट्री में से और यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये लगने लगेगा। और फिर ये जो ऑब्जर्वर है इसके ऊपर हमें कुछ इस तरीके से टू ग्लासेस प्लेस करने हैं और फिर फार्म के पीछे आ जाना है हमें कुछ इस तरीके से। और फिर हमने जो ग्लासेस लगाए ना इसके पीछे दो हमें सॉलिड ब्लॉक लगाने हैं और फिर कुछ इस तरीके से जहाँ तक हमारा पिस्टन्स लगे हुए हैं वहाँ तक इस ब्लॉक्स को हमें एक्सटेंड कर देना है। तो एक ब्लॉक रह गया है, तो यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी एक ब्लॉक लगा देना है। और अब हमें वापस से ऊपर आ जाना है जो हमने ये ब्लॉक लगाए हैं, इसके आगे हमें दोबारा से नॉर्मल वाले जो पिस्टन होते हैं वो लगा देने हैं 6 पिस्टन। तो यहाँ पे मैंने 6 पिस्टन और लगा दिए हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे भी हमें ग्लास से बाउंड्री कर देनी है ताकि यहाँ से भी जो वाटर है वो लीक ना हो सके। तो यहाँ पे मेरे को कुछ इस तरीके से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ग्लासेस को और यहाँ पे मेरे को ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक लगा देता हूँ ताकि यहाँ से भी वाटर जो है वो लीक ना कर सके। और फिर आपको फार्म के पीछे आके कुछ इस तरीके से आपको पिस्टन्स के नीचे भी ग्लास प्लेस कर देने हैं ताकि यहाँ से भी वाटर जो है वो लीक ना हो सके, वरना आपके रेडस्टोन जो है सारे टूट जाएंगे। और फिर हमने जो पिस्टन्स लगाए थे उसके पीछे हमें कुछ इस तरीके से रेडस्टोन की जो है वो वायरिंग भी कर देनी है ताकि यहाँ से ये जो पिस्टन्स को है पावर मिल सके। और फिर यहाँ पे आके हमें कुछ इस तरीके से एक रिपीटर प्लेस करना है। और फिर अब मैं जैसे ब्लॉक्स लगा रहा हूँ आपको भी कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स को प्लेस कर देना है। और यहाँ पे आपको ये वाले ब्लॉक को तोड़ देना है और ये वाले ब्लॉक को भी तोड़ देना है। और यहाँ पे ना एक ब्लॉक जो है मेरे को कुछ इस तरीके से भी लगाना है। और अब मेरे को यहाँ से ना सबसे पहले नीचे चले जाना है, तो इसको मेरे को 3 टिक पे सेट करना है। और यहाँ से नीचे चला जाता हूँ मैं सबसे पहले और यहाँ पे मेरे को ये वाले ब्लॉक को तोड़ देना है। तो इस तरीके से आपके जो ब्लॉक्स है वो लगेंगे। तो अब हमें यहाँ से आ जाना है ऊपर, ऊपर आके हमें इन पिस्टन्स के अंदर वापस से वाटर जो है वो फिल करना स्टार्ट कर देना है। तो इन सभी पिस्टन्स के अंदर वाटर फिल कर देता हूँ मैं सबसे पहले। तो इन सब के अंदर वाटर फिल करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक ब्लॉक पे लावा डाल देना है, किसी भी एक ब्लॉक पे। तो लावा डालने के बाद अब हमें यहाँ पे इसको लावा को ऊपर से कवर कर देना है ताकि हम इसके अंदर गिर ना जाए। तो इसको भी मैं ऊपर से जल्दी से कवर कर देता हूँ। तो अभी रात हो रही है तो जल्दी से सबसे पहले हम चल के सो लेते हैं। तो अब हमें यहाँ से ले लेने हैं पिस्टन, और पिस्टन्स को हमें कुछ इस तरीके से, तो नहीं इधर मेरे को गलत लगा दिए मैंने, तो हमें कुछ इस तरीके से हमें पिस्टन्स को लगाना है कि वो नीचे की तरफ फेस करें। तो हमें कुछ इस तरीके से लगाना है पिस्टन्स को। तो इस ग्लास के आगे हमें कुछ इस तरीके से 6 पिस्टन्स को लगा देना है। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसे। तो इतना हो जाने के बाद अब हमें इसके आगे कुछ इस तरीके से 6 ब्लॉक्स भी प्लेस कर देने हैं। तो अब हमें यहाँ से ऊपर आ जाना है और ऊपर आके हमने जो नीचे से पिस्टन लगाए थे उनके साइड में हमें कुछ इस तरीके से रेडस्टोन लगा देने हैं ताकि इन पिस्टन्स को भी पावर मिल सके। तो यहाँ पे मैं रेडस्टोन को भी लगा देता हूँ। तो इतना हो जाने के बाद अब हमें इन पिस्टन्स के ऊपर लगा देने हैं ऑब्सीडियंस को। तो इन ऑब्सीडियंस को हमें कुछ इस तरीके से लगा देना है इसके ऊपर। तो अब आप ये जो ब्लॉक देख रहे हो, ये वाला जो ब्लॉक है, तो हमें यहाँ से 6 ब्लॉक्स आगे तक जो है माइन कर देने हैं। तो यहाँ से मैं जल्दी से ये भी माइन कर देता हूँ। तो माइन करने के बाद इसके अंदर हमने प्लेस कर देने हैं ऑब्सीडियंस कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें कुछ इस तरीके से जंप करके लगा देने हैं 6 पिस्टन्स। तो इस तरीके से आपको लगा देने हैं पिस्टन, और एक पिस्टन मेरा कम पड़ चुका है तो इसे मैं ले आता हूँ जल्दी से। तो इतना हो जाने के बाद हमने ये जो ब्लॉक्स लगाए थे टेम्परेरी, हमें इसे ब्रेक कर देना है। तो इसे मैं जल्दी से तोड़ देता हूँ। तो ये मैंने तोड़ लिया है। इसे तोड़ने के बाद अब हमें ना यहाँ पे एक ब्लॉक कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक ले लेता हूँ। तो इस ब्लॉक को हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देना है, और फिर ये हो जाने के बाद हमें जरूरत पड़ने वाली है रेडस्टोन की। तो ये भी मेरे पास कम है तो ये भी मैं ले आता हूँ जल्दी से जाके पहले। तो इतना हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पे एक सॉलिड ब्लॉक लगा के कुछ इस तरीके से एक रिपीटर को प्लेस कर देना है, और फिर हमें यहाँ पे एक ब्लॉक प्लेस करना है और इसके ऊपर एक ऑब्सीडियन लगा के कुछ इस तरीके से इसे यहाँ तक एक्सटेंड कर देना है। तो गाइस हमारा जो फार्म है वो ऑलमोस्ट रेडी है। बस हमें इसे चारों तरफ से, मतलब जहाँ जहाँ पे गैप है ना वहाँ पे हमें इसे ग्लास से कवर कर देना है। और मेरे पास अभी ग्लास भी कम है तो मैं शल्कर बॉक्स से ले लूँगा ताकि हम जब स्टोन तोड़े ना तो यहाँ से जो स्टोन है वो निकल ना सके बाहर की तरफ। तो यहाँ से मैं ग्लास ले लेता हूँ और इसे कवर करना जो है स्टार्ट कर देता हूँ।
तो गाइस फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमारा जो फार्म है वो बनके रेडी हो चुका है और मैंने इसे चारों तरफ से कवर भी कर दिया है ग्लास से। चारों तरफ से तो नहीं, जहाँ जहाँ गैप था वहाँ से, और यहाँ पे मैंने स्टेयर्स भी लगा दिए ताकि हम ऊपर चढ़ के आराम से स्टोन जो है वो तोड़ सके। तो अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से इस फार्म को ना ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं लीवर को अप कर देता हूँ और यहाँ से आप जैसा कि देख सकते हो, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये फार्म जो है वो कितना फास्ट है। तो अगर आपको सिल्क टच वाली पिकैक्स से तोड़ोगे तो आपको स्टोन मिलने वाला है। और जैसे कि आप देख सकते हो और फार्म में क्या होता है ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्लो जो है वो फार्म वर्क करते हैं और स्टोन जनरेट होने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें आप देख सकते हो जैसे ही आप तोड़ते भाई, आपको एंड वाले जो ब्लॉक है ना वहाँ तक पहुँचने का मौका भी नहीं देखा और वहीं जनरेट हो जाएगा ये जो स्टोन है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से वर्क करता है। तो गाइस अगर आपको भी ये फार्म बनाना है तो मैंने थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल दिया है ये वीडियो में, अगर आपको उससे समझ नहीं आता है तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इस फार्म के मतलब मेन ट्यूटोरियल का जो लिंक है वो पिन कर दूंगा, तो आप वहां से जाके इसको बना सकते हो। तो गाइस अभी मैं वीडियो को एंड कर रहा हूं, पर वीडियो एंड नहीं होगी, एंड में आपको देखने को मिलेगा टाइम लैप्स। तो गाइस अब आप एंजॉय करो इस फार्म का टाइम।